निरीक्षण किया है, व्यवस्थाओं का भी बारीकी से जांच की है, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। 10 मार्च को होना है वोटों की मतगणना और मतगणना स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच भी की गई है। और नवीन मंडी में बने मतगणना स्थल का यह पूरा मामला है, जहां पर सभी तैयारियां मतगणना को लेकर हो चुकी हैं। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है और उसकी सभी तैयारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। मतगणना स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया है। बलिया से कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम की ओर से मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया है, व्यवस्थाओं का बारीकी से जांच पड़ताल भी की है डीएम ने। 10 मार्च को वोटों की गिनती होनी है, जिसके चलते अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। बलिया से अहम खबर आपको बता रहे हैं, मतगणना स्थल का डीएम ने निरीक्षण किया। नवीन मंडी में बने मतगणना स्थल का ये पूरा मामला है। 10 मार्च को वोटों की गिनती की जाएगी और जिसकी सभी तैयारियां बलिया में कर ली गई है। खुद डीएम ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है, सभी व्यवस्थाओं को बारीकी से जांचा परखा है। तो अहम खबर बलिया से आपको बता दें, व्यवस्थाओं का बारीकी से यहां पर जांच पड़ताल करते हुए नजर आए हैं डीएम बलिया। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। 10 मार्च को वोटों की मतगणना होनी है, जिसको लेकर सभी जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। डीएम ने खुद मतगणना स्थल का निरीक्षण किया है। और ललितपुर में एक बार फिर से तेज रफ्तार का